रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो। हाँ जी दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपो एक होने जा रहा है 15, 16 एंड 17 सितंबर को। ये जो एक एक्सपो होने जा रहा है, तो एक एक्सपो को अटेंड कैसे किया जाता है एंड आपको इसके दौरान रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो आज के इस सेशन में मैं आपको पूरी चीजें डेप्थ में बताने जा रहा हूँ। मैंने काफी एक्सपोज अटेंड किए इंडिया में भी और बाहर में। मैंने चाइना में भी एक एक्सपो होता है कैंटन फेयर, मैंने वहां पे भी अटेंड किया है। वो भी काफी 5 दिन का लंबा एक फेयर होता है। तो ये जो एक एक्सपो होने जा रहा है, इसको आपको अटेंड कैसे करना है। सबसे पहली चीज, आप अगर कोई अपनी नई कंपनी सोलर में स्टार्टअप कर रहे हैं, या आप ऑलरेडी सोलर के ईपीसी प्लेयर हैं, या आप किसी के डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो इस एक्सपो में आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है, लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है, मार्केट रिसर्च के बारे में पता चलता है, काफी चीजें, काफी नॉलेज आपको मिलती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको नेटवर्किंग भी मिलती है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज, आपको इस एक्सपो में, आपने काफी वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब में, काफी यूट्यूब में वीडियोस अवेलेबल हैं कि एक्सपो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, मैं भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली चीज, एक्सपो को अटेंड कैसे किया जाता है, उसका प्रोसीजर आपको बताता हूँ। बहुत लोग जाते हैं, और मेरे से भी ये गलतियां हुई हैं एक्सपो के दौरान में, तो वो जो गलती मेरे से हुई है वो आपसे ना हो, इसलिए आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज, एक्सपो में केवल आपको ब्रोशर्स एंड जो भी उनके कैटलॉग्स हैं वो कलेक्ट करके नहीं, रद्दी कलेक्ट करके नहीं लेके आनी है आपको। प्रॉपरली एक्सपो को अटेंड करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट आपके कॉलम्स रहते हैं, आपको कॉलम्स में जाना है। सबसे पहली चीज, आप एक मार्कर जरूर अपने पास रख लीजिएगा। सेकेंडली, आपके पास एक ट्रॉली बैग होना चाहिए जिसमें आप ब्रोशर्स और उसको सिस्टमेटिक तरीके से रख सकें। सेकेंडली, आपको जब आप एक्सपो में जाएंगे, जैसे आप वेंडरों से बात कर रहे हैं, वहां पे डिफरेंट उनके जो भी एग्जीबिटर्स हैं वहां पे आपको मिलेंगे, तो आप जब भी डिस्कशन करें, मेरा ये पर्सनल सजेशन है, जैसे मैं एक एक्सपो का अटेंड करता हूँ, मैंने अपने एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बना के रखा हुआ है जिसमें मैं और मेरे एक दो टीम के मेंबर्स हैं जो प्रोक्योरमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं लास्ट टाइम एक्सपो में गया था, तो हम जहाँ पे भी हमारा डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि ये कागज आपके पास ठीक है लॉन्ग टाइम तक नहीं रहेगा, आप एक व्हाट्सएप पे फोटो खींच के अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, या तो एक शॉर्ट वीडियो 30-40 सेकेंड्स का बना लीजिए कि आपकी मिनट्स ऑफ मीटिंग क्या हुई है। क्योंकि आप एन नंबर ऑफ जगह जाएंगे, एन नंबर ऑफ डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, मैन्युफैक्चरर, सबसे आप मुलाकात करेंगे, तो आपको याद नहीं रह पाएगा कि आपसे क्या बात हुई है। तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि आप वहां पे एक शॉर्ट 30-40 सेकेंड्स का अपने मोबाइल फोन टेक्नोलॉजी का यूज करें, आप उसका एक शूट कर लें, और आप बता दें कि आप वहां पे आपसे क्या मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई है, और आप कैसे उनके साथ एक कोलैबोरेट करना चाहते हैं आगे। तो आप ये सारी चीजें सेव करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में सेव करके रखें, लॉन्ग टर्म तक आपके लिए रहेगा। एंड सेकेंडली, या तो ऑप्शन एक मार्कर से आप जो भी ब्रोशर रहे हैं उसमें आप मिनट्स ऑफ मीटिंग एक शॉर्ट में लिख लें कि आपका क्या डिस्कशन हुआ है। क्योंकि काफी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको ये भी देखने मिलेगा, जैसे आप डीसी डीबी एसी डीबी बॉक्सेस जो आप रेडीमेड लेते हैं, तो आप ये खुद भी बनाना चालू करना चाहें तो बॉक्सेस कहाँ से लेना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेगी। अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल में काम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे कन्वर्जन किट्स के बारे में मिलेगा, लिथियम आयन बैटरीज, बैटरी मैन्युफैक्चरर, काफी सारी चीजें आपको मिलेगी। सोलर इंडस्ट्री में अगर आप हैं, तो सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर से आपको मिलने का मौका मिलेगा। स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर भी काफी आते हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम मैं गया था, तो वहां पे एक कन्वर्जन किट थी, एक साइकिल को उन्होंने नॉर्मल साइकिल को इलेक्ट्रिक साइकिल में कन्वर्ट किया हुआ था। एक रोबोटिक आर्म्स भी होता है कि जो बड़े बड़े मेगावाट लेवल के प्लांट रहते हैं, उसकी क्लीनिंग कैसे करनी है। तो बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जो भी आप ये देखिए, लॉकडाउन के टाइम पे काफी R&D हुई गई है, लोग बाग फ्री नहीं बैठे, बट काफी R&D हुई है, उसका रिजल्ट आपको एक्सपो में देखने मिलेगा। तो मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन है, डेफिनेटली आप इस एक्सपो को अटेंड करें। एंड अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं, 2-3 लोग आप लोग जा रहे हैं एक ही कंपनी से, तो मेरा ये पर्सनल सजेशन है, एक ही जगह आप तीनों लोग ना रहें, आप डिफरेंट डिफरेंट जगह अपने आप को डिवाइड कर लें, प्लानिंग करके आप एक्सपो को अटेंड करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेफ्टी का ध्यान रखना, कोविड नॉर्म्स को फॉलो करें, सैनिटाइजर आपको अपने पास रखना है, मास्क आप बिल्कुल पहन के रखें, डबल मास्क पहन के रखें, एंड सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल आपको मेंटेन करना है। अब सेकेंडली आपका सवाल आएगा, ये एक्सपो में कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है। बिल्कुल, पहले जो होता था कि आप वहां पे एक्सपो में जाएं, एक विजिटर पास मिलेगा, आप जा सकते हैं अंदर। ये प्रोसीजर अभी भी है, लेकिन काफी लॉन्ग आपको लंबी लाइन में लगना पड़ेगा, और कोविड के कारण मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप पहले से रजिस्ट्रेशन करके जाएं। मैंने जो लिंक है, लिंक का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर की है, आप उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं एंड आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। मैं अब आपको लेके चलता हूँ वेबसाइट पे,
जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। चलिए चलते हैं वेबसाइट पे। तो पहले मैंने गूगल में लिखा REI 2021 रजिस्ट्रेशन। मैं जैसे ही वहां पे जाऊंगा तो मेरे को ये वेबसाइट मिल जाएगी। मैं इस वेबसाइट पे क्लिक करूंगा, ये वेबसाइट की लिंक भी मैंने दी हुई है। आप सबसे पहले विजिट में जाइएगा, विजिटर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। जैसे आप विजिटर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करेंगे, ये ओपन हो जाएगा एक फॉर्म। आपको इसमें अपनी डिटेल्स, नॉर्मल डिटेल्स, जैसे कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे अपलोड करके सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो एक आपको फॉर्म आ जाएगा और आप उस फॉर्म को प्रिंट करके एक आपका बारकोड के साथ एक स्कैन हो जाएगा, वो आपको फॉर्म को लेके जाना है। तो जैसे ही आपने यहाँ पे सबमिट किया, जो आपके पास एक फॉर्म आ गया, उस फॉर्म को आप एक प्रिंट लेके वहां पे लेके जाएं, अपना डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट भी बिल्कुल लेके जाएं, आधार कार्ड भी लेके जाएं, क्योंकि आजकल ये सब चीजें मैंडेटरी हो गई है। तो ये सब चीजें आप बिल्कुल लेके जाएं। एंड मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन आपको है कि अपनी हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखें। जान है तो जहान है, ठीक है, काम होता रहेगा, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है। कोविड के नॉर्म्स को पूरा फॉलो करते हुए अपना ये एग्जीबिशन आपको अटेंड करनी है। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपो में, मैं आपका इंतजार करूंगा। जय हिंद, जय भारत।